उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा जिला अधिकारी के दफ्तर पर किसानों ने जमकर हंगामा किया। मुआवजे की फाइल पर हस्ताक्षर करने के लिए सदर तहसील के अधिकारी मांग रहे हैं 2.5 लाख रुपए की रिश्वत। बंटवारे को लेकर ऑडियो हुआ है इसका वायरल। किसानों ने जिला अधिकारी दफ्तर पर पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। सदर तहसील में जमीन अधिग्रहण होने के बाद किसानों से मुआवजा देने के नाम पर मांगे जा रही है मोटी रकम की और उसी को लेकर ये प्रदर्शन जो है किया गया। किसान देखिए किस तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीरें हैं और देखिए किस तरीके से किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर जिस तरीके से जो है उस पर किस तरीके से रिश्वत मांगी जा रही है उसको लेकर ये हंगामा किया गया है। जिले में कोई भी गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। अगर भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पे हो रहा है तो वो हम लोगों के लिए, जो हम लोग करप्शन फ्री इंडिया मूवमेंट की मांग देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री से कर रहे हैं, वो सब धूमिल हो जा रहा है। आप जैसे अधिकारियों को यहाँ भेज करके सरकार ने ये कहा कि भाई यहाँ लोगों को न्याय मिले, लेकिन यहाँ तहसीलदार और तहसीलदार के संरक्षण में कानों को और पटवारी गुंडागर्दी करें तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। किसान के यहाँ किसी भी सूरत में, नंबर लिखवा दीजिए, किसी भी सूरत में वो पहुंचे ना, इनके यहाँ दबाव बनाने के लिए, मतलब गांव के लोगों को दबाव बनाया जा रहा है वहाँ। आज ही अधिकतम तो कल जब आपने भेजी है ना, तुरंत दूसरे को सेव करना है।